विरोध में 5 व्यापारी बैठे भूख हड़ताल पर। बरेली में बुधवार को भूख हड़ताल पर नदीम शमशी, गब्बर सिंह, राहुल सिंह, हरनाम सिंह, गगनदीप सिंह 5 व्यापारी ने जलपान त्याग कर व्यापार हित के लिए रब से दुआ की। व्यापारी नेता परमजीत सिंह ने कहा, पुल का सर्वे सही तरीके से नहीं किया गया, सर्वे दोबारा होना चाहिए। अगर किसी मार्केट के अंदर आग लगती है या किसी के घर में आग लगती है या कोई बीमार हो जाता तो एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी। व्यापारी नेता दीपक अग्रवाल ने कहा, पुल का फर्जी सर्वे किया गया। हम महापौर उमेश गौतम से मांग करते हैं कि सर्वे टीम से पुनः सर्वे कराया जाए और व्यापारियों के हित में ध्यान रखते हुए व्यापारियों की समस्या को आप सुने। हम सब ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाया है, भूख हड़ताल चलती रहेगी। अब हम में एक दो व्यापारी आमरण अनशन करेंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी पुल बनाने वाले अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की होगी। वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारियों ने आज भूख हड़ताल पर बैठे व्यापारी को जूस पिलाकर आज के दिन की भूख हड़ताल का समापन कराया। आज भूख हड़ताल पर व्यापारी के साथ परमजीत सिंह, रौनक जौली, राकेश सहानी, विजय पहचानी, पोहजू, सुनील अरोरा, गगनदीप सिंह, गुरमीत सिंह, तनप्रीत सिंह, अजय पाल सिंह, सुखमीत सिंह, प्रथम सिंह, इंद्रजीत सिंह, आलोक अग्रवाल, वैभव भूषण, नितिन अग्रवाल आदि व्यापार मौजूद रहे। नाम भाई साहब आलोक अग्रवाल। ये जो धरने पर बैठे हुए हैं व्यापारी, तो इस धरने पर बैठे व्यापारियों का किन किन व्यापार मंडलों ने समर्थन किया? हमारे साथ सभी व्यापार मंडल हैं। पहले भी जब भी हमने कोई मुहिम करी है सभी व्यापार मंडल हमारे साथ हैं और राजन गुप्ता जी भी उस दिन आए थे और इससे पहले भी जब हमने कही थी सभी लोग आए थे और वो पूरी तरह कह रहे हैं कि अगर जो है काम नहीं बना तो पूरा बरेली बंद किया जाएगा और अनिश्चितकालीन तक करा जा सकता है, क्योंकि ये पुल जबरदस्ती का पुल है, इसकी कोई इस रोड पे आवश्यकता नहीं है, कुतुबखाना पुल की कोई आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट सिटी के तहत जबरदस्ती एक जो पुल व्यापारियों पे थोपा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है और ये पुल नहीं बनने दिया जाएगा। चाहे इस पुल के लिए व्यापारी हाथ पार की लड़ाई के मूड में है, चाहे कितने भी दिन बाजार बंद रखना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम लोग ये पुल नहीं बनने देंगे। भाई साहब आपका नाम? प्रभजोत सिंह। ये